फिल्म की शुरुआत में हम आइलैंड पर बसे एक गांव को देखते हैं जहां पर बहुत सारे ड्रैगन्स ने हमला किया होता है, क्योंकि ड्रैगन्स हर रात इसी तरह से गांव पर हमला करके गांव से खाना चुरा कर ले जाते हैं। यहां के लोग ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं और इन सब लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर हम एक छोटे लड़के एकब को देखते हैं जो कि बाकी के वाइकिंग से बिल्कुल अलग होता है और वो बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए एकब के फादर उसे घर पर ही रहने को कहते हैं और खुद अपने साथियों के साथ में ड्रैगन्स पर अटैक करने चले जाते हैं। लेकिन एकब की उम्र के सभी बच्चे ड्रैगन से लड़ने में वाइकिंग्स की मदद कर रहे होते हैं। ये देख करके हिक्कप भी मदद करना चाहता है और वो चुपके से अपने बनाए हुए जाल से ड्रैगन्स को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी गांव पर डार्क नाइट नाम का एक ड्रैगन हमला करता है और वो बहुत ही ताकतवर होता है, साथ ही बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से आज तक किसी ने भी डार्क नाइट को नहीं देखा होता। अब हिक्कप अपनी बहादुरी साबित करने के लिए डार्क नाइट को पकड़ने का प्लान बनाता है और वो एकदम शांत होकर के डार्क नाइट की रफ्तार को महसूस करता है और उसकी तरफ एक जाल फेंक देता है, जिससे ड्रैगन जाल में फंस जाता है और वो जंगल में जाकर गिरता है। ये देख कर के हिक्कप बहुत खुश होता है और वो तेज आवाज में अपने लोगों को बुलाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन आ जाता है और वो हिक्कप के पीछे पड़ जाता है, लेकिन हिक्कप के फादर उसे देख लेते हैं और वो तुरंत ही हिक्कप को ड्रैगन से आकर के बचा लेते हैं। अब हिक्कप के फादर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने हिक्कप को घर में ही रहने को कहा था। तब हिक्कप अपने डैड से कहता है कि उसने डार्क नाइट को अपने जाल में फंसा दिया है और वो जंगल में जाकर गिरा है। ये सुनकर के सभी बाइकिंग्स उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सबको यही लगता है कि हिक्कप इतना कमजोर है, वो ड्रैगन्स को क्या ही पकड़ेगा। हिक्कप के डैड भी उस पर यकीन नहीं करते और वो हिक्कप को अपने दोस्त ग्लोवर के साथ में घर पर भेज देते हैं। घर आकर के हिक्कप पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं हिक्कप के डैड गांव वालों के साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं कि हमें ड्रैगन से किसी तरह से छुटकारा पाना ही होगा, नहीं तो वो इसी तरह से गाँव पर हमला करके हमें बर्बाद कर देंगे। वो सबसे कहते हैं कि हम ड्रैगन का ठिकाना ढूंढेंगे और वहाँ जाकर उन सबको मार देंगे। ये सुनकर के सब बाइकिंग डर जाते हैं क्योंकि आज तक जो भी ड्रैगन के इलाके में गया होता है वो बच करके वापस नहीं आया होता, इसलिए सब जाने से मना करने लगते हैं। तब हिक्कप के फादर कहते हैं कि जो भी उनके साथ नहीं आएगा उसे हिक्कप का ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही सब बाइकिंग जाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि कोई भी हिक्कप का ख्याल नहीं रखना चाहता क्योंकि हिक्कप बहुत ही शरारती बालक होता है। इसके बाद हिक्कप के डैड अपने दोस्त ग्लोवर से कहते हैं कि तुम कल से ही नए बाइकिंग्स को ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, जिस पर ग्लोवर कहता है क्या वो हिक्कप को भी ट्रेनिंग दे सकता है, जिस पर हिक्कप के डैड मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं हिक्कप ट्रेनिंग के दौरान ड्रैगन से मारा ना जाए। तब ग्लोवर कहता है कि हमें हिक्कप को एक मौका देना चाहिए, तभी वो एक बहादुर बाइकिंग बन सकता है। ये सुनकर के हिक्कप के डैड मान जाते हैं। वहीं हिक्कप जंगल में डार्क नाइट को ढूंढते हुए थक चुका होता है, उसे अब तक डार्क नाइट नहीं मिला होता, इसे हिक्कप बहुत उदास हो जाता है। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए पेड़ पर जाती है, जिसे देख करके लग रहा होता है कि पेड़ पर कोई भारी चीज गिरी है। इसके बाद में हिक्कप थोड़ा आगे जाता है जहाँ पर डार्क नाइट जाल में फंसा होता है। हिक्कप डार्क नाइट को देख करके डर जाता है और वो अपना चाकू निकाल करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो गांव वालों को दिखा सके कि वो भी शिकार कर सकता है। लेकिन जब हिक्कप डार्क नाइट के पास जाता है तो वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि हिक्कप अंदर से बहुत दयालु होता है जो कि मासूम जीवों को नहीं मारना चाहता। जिसके बाद हिक्कप डार्क नाइट की रस्सियां खोल देता है। डार्क नाइट आजाद होते ही हिक्कप को अपने पंजों में दबोच लेता है। ये देख करके हिक्कप बहुत घबरा जाता है, उसे लगने लगता है कि उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन डार्क नाइट भी इतना बुरा नहीं होता जो हिक्कप को मार दे, वो हिक्कप को छोड़ देता है और वहां से उड़ जाता है। हिक्कप ये देख करके हैरान रह जाता है। हिक्कप देखता है कि डार्क नाइट को उड़ने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से उड़ रहा होता है। वो उड़ते हुए एक घाटी में चला जाता है। इसके बाद में हिक्कप वापस घर आ जाता है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि वो भी कल से वाइकिंग्स बनने की ट्रेनिंग लेगा और ड्रैगन्स को मारेगा। लेकिन अब डार्क नाइट से मिलने के बाद में हिक्कप की सोच बदल गई होती है। वो ड्रैगन्स को नहीं मानना चाहता, इसलिए वो अपने डैड से ट्रेनिंग के लिए मना कर देता है। लेकिन उसके डैड उसकी नहीं सुनते, वो जबरदस्ती हिक्कप से ट्रेनिंग के लिए यहाँ करवा लेते हैं और खुद सभी वाइकिंग्स के साथ में जहाज लेकर के ड्रैगन्स के घर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हिक्कप अपने दोस्तों के साथ में ट्रेनिंग लेने के लिए अखाड़े में पहुंच जाता है, जहाँ पर ग्लोवर सबसे कहता है कि तुम्हें आज असली ड्रैगन से सामना करना होगा। इसके बाद में ग्लोवर पिंजरे में से एक ड्रैगन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद ड्रैगन सब बच्चों पर हमला कर देता है, सब अपनी ढाल और तलवार से उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन हिक्कप ड्रैगन से नहीं लड़ना चाहता, तभी ड्रैगन उस पर अपनी फायर से अटैक कर देता है। ये देख करके ग्लोवर हिक्कप को उस ड्रैगन से बचा लेता है।
और ड्रैगन को वापस से पिंजरे में भेज देता है। ग्लोवर हिकप से कहता है कि अगर तुम ड्रैगन को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जरूर मार देंगे। ये सुनकर के हिकप को डार्क नाइट का ख्याल आता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर डार्क नाइट उसे क्यों छोड़ दिया। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में हिकप वापस से डार्क नाइट के पास जाता है, जहाँ पर डार्क नाइट अभी भी घाटी में फंसा होता है और वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तालाब से मछलियाँ पकड़ करके खा रहा होता है। इसी बीच में हिकप डार्क नाइट की तस्वीर बना लेता है। तभी डार्क नाइट हिकप को देख लेता है, जिसके बाद हिकप डर करके वहाँ से भाग जाता है। अब रात में हिकप अपने दोस्तों और ग्लोवर के साथ में बैठा होता है। तभी ग्लोवर सबसे कहता है कि अगर ड्रैगन्स की किसी पंख को काट दिया जाए तो वो कभी नहीं उड़ सकता। इसे हिकप को डार्क नाइट का ख्याल आता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और वो ड्रैगन की बुक से डार्क नाइट के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस बुक में डार्क नाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तभी हिकप अपनी बनाई हुई डार्क नाइट की तस्वीर देखता है, जिसमें डार्क नाइट की पूंछ कटी होती है, जिसे हिकप समझ जाता है कि इसी वजह से डार्क नाइट को उड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अब अगले दिन हिकप डार्क नाइट के लिए आर्टिफिशियल पंख बना करके ले जाता है, साथ ही उसके लिए बहुत सारी मछलियाँ लेकर के जाता है और हिकप उन मछलियों को डार्क नाइट के सामने फेंक देता है, जिसके बाद डार्क नाइट मछलियों में से ईल निकालने को कहता है, क्योंकि डार्क नाइट को ईल मछली से डर लग रहा होता है। इसके बाद हिकप ईल को निकाल देता है, जिसके बाद में डार्क नाइट मछलियों को खा लेता है और हिकप से दोस्ती कर लेता है, साथ ही हिकप को अपना शरीर छूने देता है। इसके बाद में हिकप आर्टिफिशियल पंख को डार्क नाइट की पूंछ पर बांध देता है। जैसे ही पूंछ लगती है तो डार्क नाइट हवा में उड़ने लगता है, लेकिन जब डार्क नाइट को एहसास होता है कि हिकप भी उसकी पूंछ पर बैठा है तो वो उसे नीचे गिरा देता है और हिकप के नीचे गिरते ही पंख निकल जाता है, जिससे ड्रैगन भी नीचे आकर गिरता है, क्योंकि उस पंख को संभालने के लिए डार्क नाइट को हिकप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हिकप अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अभी डार्क नाइट के बारे में सोच रहा होता है, जिससे हिकप अपने साथ साथ एस्ट्रिन को मुसीबत में डाल देता है, जिससे एस्ट्रिन उस पर बहुत गुस्सा होती है। तभी हिकप को याद आता है कि ड्रैगन्स को ईल मछली से डर लगता है। इसके बाद हिकप ईल मछली को दिखा करके ड्रैगन को फिर से पिंजरे में डाल देता है। इसे सब हैरान रह जाते हैं। अब हिकप डार्क नाइट के लिए एक सिस्टम बनाता है, जिसे हिकप डार्क नाइट की पीठ पर बैठकर उसके पंख को कंट्रोल कर सकता है। इससे डार्क नाइट हिकप की मदद से फिर से उड़ पा रहा होता है। अब हिकप और डार्क नाइट में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हिकप डार्क नाइट के साथ रहकर के ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ सीख रहा होता है, जैसे ड्रैगन्स के सिर पर खुजलाने से उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद हिकप उन्हें स्किल्स का यूज अपनी ट्रेनिंग के दौरान करता है और वो बड़ी आसानी से ड्रैगन से दोस्ती कर पा रहा होता है। ये देख करके सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन सबको लग रहा होता है कि हिकप बहुत ही अच्छा पाइकिंग बन जाएगा। इससे पूरे गाँव में उसकी ही चर्चा हो रही होती है, लेकिन एस्ट्रिन को शक होता है कि आखिर हिकप इतना कमजोर होने के बाद में इतना बहादुर कैसे हो गया। और ट्रेनिंग में अच्छा करने की वजह से हिकप को एक ड्रैगन मारने का मौका मिलता है और उसी रात हिकप के फादर भी अपने साथियों के साथ वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ड्रैगन्स का ठिकाना नहीं मिला होता। जब हिकप के डैड को उसकी बहादुरी के चर्चे सुनने को मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो हिकप को उसकी माँ का हेलमेट देते हैं, लेकिन हिकप उदास होता है क्योंकि उसे ड्रैगन्स को मारने का मौका मिला होता है और वो ड्रैगन को नहीं मारना चाहता। अब अगली सुबह हिकप फिर से डार्क नाइट के पास जाता है, लेकिन इस बार एस्टिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो घाटी में आ जाती है। वो हिकप से कहती है कि तुम जरूर ही कोई राज छिपा रहे हो, क्या तुम किसी और से ट्रेनिंग ले रहे हो। तभी एस्टिन के सामने डार्क नाइट आ जाता है और वो उसे देख करके डर जाती है। डार्क नाइट भी एस्टिन को देख करके भड़क जाता है और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हिकप डार्क नाइट को रोक देता है और वो एस्टिन से कहता है कि डार्क नाइट मेरा दोस्त है, लेकिन एस्टिन हिकप की नहीं सुनती और वो गांव वालों को डार्क नाइट के बारे में बताने जाने लगती है। तभी हिकप डार्क नाइट के साथ में एस्टिन को पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ पर बैठा देता है। हिकप एस्टिन से कहता है कि ड्रैगन बुरे नहीं होते। वो एस्टिन को डार्क नाइट की राइड कराता है। तभी डार्क नाइट अपनी मर्जी से हवा में तेज उड़ने लगता है, जिससे एस्टिन डर जाती है और वो माफी मांगती है। वो हिकप से कहती है कि वो डार्क नाइट के बारे में किसी को नहीं बताएगी, जिसके बाद में डार्क नाइट शांत हो जाता है। तभी उनके आसपास बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं, जो खाना लेकर के कहीं जा रहे होते हैं। डार्क नाइट भी उनके साथ साथ जाने लगता है। हिकप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क नाइट नहीं रुकता। इसके बाद में सभी ड्रैगन्स एक बड़े से पहाड़ के पास आ जाते हैं और ये इन ड्रैगन्स का ठिकाना होता है। इसके बाद सभी ड्रैगन्स अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं, जिसे सब छोटे ड्रैगन्स अपना खाना दे रहे होते हैं। ये देख करके हिकप और एस्टिन समझ जाते हैं कि ये छोटे ड्रैगन्स
बड़े ड्रैगन्स के लिए खाना चुराते हैं, नहीं तो ये बड़ा ड्रैगन इन छोटे ड्रैगन को मार देगा। इसके बाद में डार्क नाइट उन्हें लेकर के वापस आ जाता है। एस्टिन हिकप से कहती है कि हमें ड्रैगन्स का ठिकाना मिल गया है, हमें वाइकिंग्स को बताना चाहिए, लेकिन हिकप इसके लिए मना करता है। वो एस्टिन से कहता है कि ड्रैगन्स हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो बड़े ड्रैगन्स की वजह से खाना चुराते हैं। अगर हम वाइकिंग्स को उनका ठिकाना बता देंगे तो वाइकिंग्स डार्क नाइट को भी मार देंगे, हमें इससे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये सुनकर के एस्टिन हिकप से इंप्रेस हो जाती है और वो उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह हिकप अखाड़े में होता है और उसके सामने फायर ड्रैगन होता है और उसे फायर ड्रैगन को मारने को कहा जाता है। हिकप के डैड भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन हिकप फैसला करता है कि वो उस ड्रैगन को नहीं मारेगा, वो सबको दिखा देगा कि ड्रैगन को मारना जरूरी नहीं है। वो अपने ट्रिक से उस ड्रैगन को अपना दोस्त बना लेता है। ये देख कर के सब हैरान रह जाते हैं। तब हिकप के डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो हिकप से कहते हैं कि ड्रैगन हमारे दुश्मन है, तुम्हें उन्हें मारना चाहिए। सुनकर के वो ड्रैगन भड़क जाता है और वो हिकप पर ही अटैक करने लगता है। वहीं डार्क नाइट को एहसास हो जाता है कि हिकप मुसीबत में है, इसलिए वो पैदल ही उसे बचाने के लिए आ जाता है। डार्क नाइट को देख करके सब वाइकिंग्स हैरान रह जाते हैं। डार्क नाइट बड़ी ही आसानी से उस फायर ड्रैगन को हरा देता है, लेकिन वाइकिंग्स डार्क नाइट को पकड़ लेते हैं। हिकप उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। हिकप अपने डैड को बता देता है कि डार्क नाइट उसका दोस्त है, जिस पर हिकप के डैड कहते हैं ड्रैगन हमारे दुश्मन है, वो हमारे दोस्त नहीं होते। जिस पर हिकप बता देता है कि डार्क नाइट उसे अपने घर लेकर के गया था, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन थे, लेकिन वो सब हमारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो सब खाना किसी और के लिए चुराते हैं। ये सुनकर हिकप के डैड और गुस्सा होते हैं। वो हिकप से कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन्स का ठिकाना पता था, तुमने हमें नहीं बताया, इसका मतलब तुम ड्रैगन्स के साथ मिल गए हो। पर हिकप कहता है कि वहाँ इंसान नहीं जा सकते, वहाँ का रास्ता सिर्फ ड्रैगन्स को पता है। जिसके बाद में हिकप के डैड तुरंत ही वाइकिंग्स को लेकर के ड्रैगन्स के ठिकाने की तरफ चले जाते हैं और वो अपने साथ डार्क नाइट को भी बांध कर ले जाते हैं। ये देख करके हिकप बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद में एस्टिन हिकप से कहती है कि हमें ड्रैगन्स को बचाना होगा। इसके बाद में हिकप अपने दोस्तों के साथ में अखाड़े में आ जाता है, जहाँ पर वो पिंजरे में बंद ड्रैगन से सबकी दोस्ती करा देता है। वहीं हिकप के डर सभी वाइकिंग्स के साथ में ड्रैगन्स के ठिकाने पर पहुँच चुके होते हैं और वो पहाड़ पर अटैक करके उसे तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद सभी ड्रैगन्स उड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। ये देख करके सब वाइकिंग्स हैरान रह जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि वो जीत गए। तभी पहाड़ के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देख करके सब वाइकिंग्स घबरा जाते हैं और वो सब भागने लगते हैं। ड्रैगन उन सब पर अपनी आग से हमला कर देता है। तभी वहाँ पर हिकप अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, वो सब ड्रैगन्स की राइड कर रहे होते हैं। ये देख करके वाइकिंग्स हैरान रह जाते हैं। हिकप डार्क नाइट को बंधा देख करके उसकी मदद के लिए जाता है और अपने दोस्तों को ड्रैगन से लड़ने भेज देता है। इसके बाद में हिकप के डैड भी डार्क नाइट को खोलने में उसकी मदद करते हैं। ये देख करके हिकप बहुत खुश होता है और डार्क नाइट और हिकप मिलकर के बड़े ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ड्रैगन अपने बड़े पंखों से हवा में उड़ने लगता है और डार्क नाइट को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तब हिकप अपने दिमाग का यूज करता है और वो डार्क नाइट को अंधेरे बादलों में लेकर चला जाता है, जिसके बाद में वो बड़ा ड्रैगन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। इसके बाद में उस ड्रैगन को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी का फायदा उठा करके डार्क नाइट बड़े ड्रैगन पर बहुत सारे हमले करता है, जिससे वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। इससे बड़ा ड्रैगन नीचे जाकर गिरता है और वो मारा जाता है। इसके बाद डार्क नाइट उसके अंदर आग लगा देता है। तभी हिकप गलती से डार्क नाइट की पीठ से नीचे गिर जाता है। डार्क नाइट उसे बचाने के लिए नीचे जाता है और दोनों ही आग के अंदर चले जाते हैं। ये देख करके सब वाइकिंग्स डर जाते हैं। हिकप के डैड को लगने लगता है कि हिकप अब नहीं रहा और एस्टिन भी उदास हो जाती है। आग बुझने के बाद में हम देखते हैं कि डार्क नाइट ने हिकप को बचा लिया होता है, क्योंकि डार्क नाइट ने उसे अपने पंखों के बीच रखा होता है। ये देख करके सब बहुत खुश होते हैं। हिकप के डैड डार्क नाइट को धन्यवाद करते हैं, लेकिन हिकप अब भी बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर होता है और उस लड़ाई में उसका एक पैर भी कट गया होता है, जिसकी वजह से उसका एक लोहे का पैर लगा होता है। जब हिकप बाहर आता है तो वो देख करके हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके गांव में अब ड्रैगन्स भी रह रहे होते हैं और ये सब हिकप के डैड ने किया होता है। अब हिकप डार्क नाइट के साथ में राइड करता है और उसके दोस्त भी अपने अपने ड्रैगन्स के साथ में राइड करते हैं। अब इंसान और ड्रैगन एक साथ में रह रहे होते हैं और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपको इस मूवी के आगे के पार्ट्स देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना।